अगर मैंने सूट पहना है साड़ी पहनी है तब भी लोग मेरे को टीज करते हैं, लड़के हैं ऐसे, ठीक है, वो मेरे को ही नहीं, हर लड़कियों को करते हैं। तो इट डजंट मीन कि अगर मैंने वेस्टर्न पहना है तो मैं टीज नहीं, टीज होंगी या सूट पहना है तो नहीं होंगी। क्या इसमें बॉलीवुड और जो ये आजकल जो चल पड़ा है रील्स और टिकटॉक का ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें लड़कियाँ बहुत ओपन हो गई हैं, क्या वो भी एक रोल प्ले करते हैं? आई डोंट थिंक सो कि ये सब इसकी वजह से हुआ है कि टिकटॉक वाले तो फिर उनका। गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आया हूँ कनॉट प्लेस में और आया मैं एक इवेंट अटेंड करने था, मगर मैंने सोचा एक टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्या इंडिया में लड़कियाँ या महिलाएँ सुरक्षित हैं या नहीं आज की डेट में। ये टॉपिक मुझे एक्चुअल में बहुत पहले करना था मगर किसी वजह से ये मिस हो रहा था, बिकॉज एक तो मुझे टाइम भी नहीं लग पा रहा था और स्किप हो रहा था किसी ना किसी वजह से, मगर आज मुझे लगा कि आज मैं इवेंट के बाद इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूंगा और लोगों से जानूंगा, ख़ास करके लड़कियों से और महिलाओं से ये जानूंगा कि उनका क्या मानना है, क्या वो सुरक्षित महसूस करती हैं। तो मैं अब कुछ लड़कियों से बात करूंगा और जानते हैं उनका क्या मानना है, क्या उन्हें लगता है कि लड़कियां सुरक्षित हैं या नहीं, और दूसरी बात कि जो रेप होता है, रेप जैसा घटिया क्राइम होता है, उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल मेजरली है। तो ये बातें हम करेंगे और लड़कियों से पूछेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल, दैट इज़ एचएम डिजिटल रिव्यूज़। थैंक यू। सो मैम, आपको लगता है कि आज के डेट में लड़कियाँ सेफ़ हैं? देखिए, सेफ सबसे ज़्यादा क्राइम, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, दिल्ली में होता है तो साफ है कि दिल्ली तो सेफ नहीं है। हालांकि देखिए, यहाँ पे लड़कियाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर तो मन में रहता है कि कहीं कोई स्टॉक तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। मैं अपना बताऊँ, मैं रात को अपने घर से बाहर नहीं जाती हूँ 10 बजे के बाद, क्योंकि डर लगता है दिल्ली की सड़कों पर। जैसे कि अभी कास्टिज्म भी बहुत होता है कि छोटी जाति वाली लड़की जो होती है, अभी एक हाल ही में केस और हुआ है जिसमें रेप हुआ है एक लड़की का। तो मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कहीं ना कहीं कास्ट भी एक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि छोटी कास्ट वाली लड़कियों का शोषण ज़्यादा होता है, या ऐसा कुछ लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता जो शोषण करता है वो कास्ट देखता है, वो या तो ऐसे होते हैं जो रिजेक्ट हो चुके होते हैं लड़कियों से, या फिर उन्होंने रैंडमली किसी लड़की को उठा लिया, ये कास्ट वाला तो मुझे नहीं लगता। हालांकि ये चीज़ होती होगी गांव वगैरह में, मुझे लगता है वहाँ ये चीज़ होती होगी, ये छोटी जाति के इसके साथ करते हैं ऐसा कुछ, लेकिन शहरों में मुझे लगता है कि कास्ट यहाँ पर तो नहीं है। थैंक यू। आपको लगता है कि आज की डेट में इंडिया में लड़कियाँ सेफ हैं? मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, पूरा इंडिया मैंने घूमा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि बाकी जगहों पे क्या होता है, बट दिल्ली में तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मतलब दिन में तो सब सेफ़ है, लेकिन रात को 8-9 बजे के बाद दिल्ली की जो सुनसान सड़कें होने लग जाती हैं, उस पर चलते हुए सच में ही डर लगता है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियों की जो ड्रेसिंग होती है, क्या ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है लड़कों को उत्तेजित करने में, या लड़के उनको छेड़ें या उनको उनके साथ शोषण करें, क्या लड़कियों की जो ड्रेसिंग होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है? मैं चाहे जीन्स पहनूं, चाहे शलवार सूट पहनूं, जो लड़का स्टॉक करेगा तो वो करेगा ही, या जिसको रैप करना है, जिसने मन में था नहीं रखा तो उसके लिए क्या सूट और क्या स्कर्ट। और मैम, लास्ट सवाल एक पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं आजकल, जैसे आजकल टिकटॉक तो खैर बैन हो गया, बट रील्स वगैरह पे भी आजकल कुछ लड़कियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा शो करती हैं अपनी बॉडी को, लाइक उर्फी जावेद या अंजलि अरोड़ा या कुछ भी, जो जिनको सेलिब्रिटी बन गई है रातों रात, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है? वो सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, औरों के लिए वो क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगी, वो उनकी मर्जी, वो क्या पहने, कहाँ जाए, कहाँ आए, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। अगर लोग ट्रोल करते तो सिर्फ उन्हें करते, उनके साथ किसी और को ट्रोल नहीं करते। थैंक यू। सो मैम, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में इंडिया में लड़कियां सुरक्षित हैं या नहीं? देखो, अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हद तक नहीं है सुरक्षित। जैसे हम लोग ट्रैवल भी करते हैं, मेट्रो में भी ट्रैवल करते हैं, रोड पे भी जाते हैं, तो यूजुअली ये देखा जाता है, टीज करते हैं लोग, कभी कभार लड़कियां कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि शी इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है। तो काफ़ी जगहों पे ये देखा गया है अनसेफ है, कुछ एजुकेटेड जो लोग भी होते हैं वो भी इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा अनसेफ हो जाता है। कहीं ना कहीं मैम, कास्ट भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आए दिन खबरों में पढ़ते हैं कि जो छोटी जाति की लड़की होती है उसका रेप कर देते हैं और फिर उसको कुछ जस्टिस मिलता है या नहीं वो बात की बात है, बट रेप ज़्यादातर छोटी कास्ट की लड़कियों को। तो आपको क्या लगता है, कास्ट भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है इन चीज़ों के लिए? देखो, सबसे बड़ी तो चीज़ है मैंटेलिटी की, लोगों में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। कास्टिज़म आज की डेट में बहुत है और ये हम खुद भी फील करते हैं, ठीक है,
क्योंकि लोग दूसरे को जज करते हैं उसकी कास्ट देख के, नाम देख के जज किया जाता है कि लड़की का करेक्टर क्या है, ठीक है, या लड़के का भी करेक्टर क्या है, तो उस नज़रिए से देख के लोगों को इस तरह से हार्म भी पहुँचाया जाता है, तो ये काफ़ी हद तक सच है। वट अबाउट दोज पीपल जो कहते हैं कि ड्रेसिंग की वजह से रेप हुआ, रात को बाहर निकल के पार्टी कर रही थी, छोटे कपड़े पहने हुए थे, पब में गई थी, डिस्क में गई थी, तो आपको क्या लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं वैलिड लॉजिकल रीजंस हैं इस चीज़ के पीछे, क्या लगता है? आई थिंक ड्रेसिंग सेंस को देखें हम किसी को जज नहीं कर सकते, हमारी मदर्स भी हैं वो साड़ी सूट सब पहनते हैं, तो इट डजेंट मीन कि वो भी इफ्टीज नहीं हुए होंगे अपने ज़माने में, ठीक है, ये नज़रिया का खेल आप कह सकते हो। अगर मैंने सूट पहना है, साड़ी पहनी है, तब भी लोग मेरे को टीज करते हैं, लड़के हैं ऐसे, ठीक है, वो मेरे को ही नहीं, हर लड़कियों को करते हैं, तो इट डजेंट मीन कि अगर मैंने वेस्टर्न पहना है तो मैं इफ्टीज होंगी या सूट पहना है तो नहीं होंगी। इट्स काइंड ऑफ द मेंटेलिटी जो हमें एजुकेट करना चाहिए, लड़कों में भी और लड़कियों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए इंस्टीट्यूट। थैंक यू मैम। आपको क्या लगता है कि इंडिया में लड़कियाँ सुरक्षित हैं या नहीं? इंडिया में एक्चुअली लड़कियां सेफ हैं, मतलब कुछ कुछ एरियाज़ में है कि जहाँ पे सेफ हैं, बट कुछ कुछ नहीं है, लाइक दिल्ली में थोड़ी बहुत सेफ्टी है, बट आई गेस थोड़ी सेफ्टी और बढ़ानी चाहिए। इसलिए लड़कियों के जो कपड़े हैं उसको लेकर भी लोग बाग बहुत कमेंट करते हैं कि यार कपड़े छोटे पहनती है, रात को घूमती फिरती है, पार्टियां करती है लड़कों के साथ, इसलिए उसका रेप बनता ही है, रेप होना बनता ही है, तो आपको क्या लगता है कि कपड़े रोल प्ले करते हैं? आई गेस 6 महीने की बच्ची जो डायपर पहन रही है, आई गेस उसके कपड़ों पे तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत केसेस ऐसे आ गए हैं जो रेप पे हैं। 80 ईयर्स की कोई ओल्ड वुमेन है, अगर आप उसको देखो तो वो साड़ी पहन रही है, उस कपड़ों में क्या बुराई है? तुम अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट ड्रेसेस में ये होता है कि उसकी वजह से रेप होते हैं, तो नहीं, तो सबकी मैंटेलिटी है ना, फिर उसके बाद तो यही है कि सब हैं। क्या इसमें बॉलीवुड और जो ये आजकल जो चल पड़ा है रील्स और टिकटॉक का ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें लड़कियाँ बहुत ओपन हो गई हैं, क्या वो भी एक रोल प्ले करते हैं? आई डोंट थिंक सो कि ये सब इसकी वजह से हुआ है, या कि टिकटॉक वाले तो फिर उनका ये है ना कि वो लोग एक तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करें, कुछ अगर गलत हैं तो कुछ लोग सही भी तो हैं, वो एक दिखाना चाहते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिटीज़ दिखाना चाहते हैं, है ना, एबिलिटीज़ दिखाना चाहते हैं, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं उस फील्ड उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, लेकिन अगर लोग उसे गलत वे में लेंगे तो ये तो कोई वो ही नहीं है बात। आप ये बताइए कि कास्ट एक रोल प्ले करता है क्या? किसी की भी छोटी कास्ट की लड़की है तो, जैसे एक केस आया था जिसमें कि छोटी कास्ट की लड़की को जस्टिस बड़ा लेट मिला था, उसका रेप हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि जो छोटी कास्ट की लड़की है उसका रेप जो करते हैं, क्या ये कास्ट भी कोई रोल प्ले करता है रेप में? नॉट एट ऑल। एक्चुअली बात ये है कि छोटे कास्ट के लोग ना डरते हैं किसी के सामने जाने से, आवाज़ रेस करने से, कि हाँ अगर हम ये बात बोलेंगे तो शायद कोई कैसे ले, कोई गलत समझ सकता है, कोई सही समझ सकता है, लेकिन अगर हम इसको सही से लेंगे, मतलब अगर सब हैंड रेस करें और बोले इस टॉपिक के ऊपर कि हाँ ऐसा हुआ है, तो उसका सही सॉल्यूशन निकल सकता है और पुलिस भी उसका सपोर्ट करेगी। हाँ, और अगर जस्टिस की बात कर रहे हो तो लॉ सबके लिए इक्वल है, इक्वल है, एंड उसमें जस्टिस का कुछ नहीं है कि सबको एक ही टाइम पे मिलता है, कि लाइक वो दामिनी केस हुआ था 2012 में, उसमें भी आई गेस 7 साल लगे थे, तो हर केस में इतना ही टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी कास्ट वालों को ज़्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।